हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दायफाई स्टूडेंट्स। 100 डे चैलेंज में आज क्वेश्चन नंबर 94 है, डे नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाई एक्स स्क्वायर ई रेस टू 1 प्लस एल एन एक्स ओवर 1 टू ई डी एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमें जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 टू ई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 प्लस एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स डी एक्स हमें फाइंड करना है। एक प्रॉपर्टी हमें पता है, ई रेस टू एल एन एक्स हमारा बनता है एक्स, ठीक है। तो अगर हम 1 टू ई करें 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारा ई रेस टू 1 इन टू ई रेस टू एल एन एक्स, ये बनेगा एक्स। तो एक एक्स आप कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा ई 1 टू ई 1 बाय एक्स डी एक्स। क्या होगा ये, लॉग ऑफ एक्स बनेगा एंड ओवर 1 टू ई, दिस इज गोइंग टू बी ई एल एन ऑफ ई माइनस एल एन ऑफ 1। एल एन 1 तो हमारा जीरो होता है, एल एन इज ई। तो आंसर सिंपली आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी विच इज ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड ठीक है, एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग, उसकी बात करते हैं। अगर आप सी ए टी या जैम के लिए प्रिपेयर करें तो 2nd ऑफ सेप्टेम्बर से हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें फ्लैट 30% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रोमो कोड IFS30, ठीक है। तो चलिए जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फंक्शन दिया है f, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, एफ एक्स एफ डैश ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ये जीरो है फॉर एवरी एक्स, जीरो पे थ्री भी दिया है। तो अगर हम इसको अंदर ले लें ये जीरो हो जाएगा, यह होगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हर एक एक्स के लिए जीरो आता है बच्चों, तो क्या होगा, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स कांस्टेंट है हर एक सी के लिए, तो आप बोल सकते हो एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस जीरो ये भी जीरो होगा, विच इज़ एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर इज सी। बट एफ ऑफ जीरो तो हमारे पास थ्री दिया है, तो सी क्या होगा, एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन। तो सी नाइन आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन एक्स रेस टू फोर वन माइनस एक्स रेस टू फाइव डी एक्स ओवर माइनस वन, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो, पहले तो एक्स रेस टू 4 1 माइनस एक्स रेस टू 5 डी एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसको बीटा गामा में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज बीटा 5, 10, ठीक है। तो बीटा कॉमा 5, 10 पहले निकालते, बाद में इसका इन्वर्स लेंगे। तो ये क्या आता है हमारे पास, गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 15 विच इज 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल, विच इज 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, दिस इज 14 13 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ऊपर 24 है। 24 को अगर हम मल्टीप्लाइड करें 12 से, ये 2 जा और ये 7 जा, तो क्या आता है, तो 2 1 जा 2 2 7 जा, तो ये आएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 10, तो 91 इंटू 11 कितना होगा, ये 1 और 9 सेपरेट 10 आएगा, तो 1001 इंटू 10, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास इनवर्स भी है ना, इंटू एक्स जीरो, तो इसको इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1001 और इसका इनवर्स भी है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा तो 10010 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सो लॉग ऑफ टेन एक्स इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले हमें देखना है लॉग ऑफ टेन एक्स में आई बनता है 0 से पाई बाई 2, लॉग ऑफ टेन एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स
माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, सो 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अभी हम इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाए तो लॉग ऑफ कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये तो हमारा साइन होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रल आता है हमारा डायरेक्टली 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, सो होपफुली ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस आपको समझ में आएंगे। अगर आप CVT और IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और फ्री कंटेंट एक्सेस करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाके आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, जिसमें PYQs, फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इन सारी चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।